हे गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल के न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, कभी कभी हम बैठ के हमारे फोन में जो हमारे काम का कॉल रिकॉर्डिंग या हमारे काम का सॉन्ग्स नहीं रहता है, या आप कह सकते हो जो हमारे काम का ऑडियो हमारे फोन में नहीं रहता है, हम उसे डिलीट करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उसे डिलीट करते रहते हैं सो हमसे कोई इंपॉर्टेंट ऑडियो भी डिलीट हो जाता है, या कभी कभी हमारे फोन में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से हमारे फोन का सभी ऑडियो रिसेट हो जाता है। सो दोस्तों, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके मदद से आप अपने डिलीटेड ऑडियोस को अपने फोन में वापस रिकवर कर सकते हैं, यानी अपने डिलीटेड ऑडियोस को अपने फोन में वापस ला सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है ये आपका हमेशा 100% ऑडियोस को रिकवर नहीं करता है, लेकिन दोस्तों 90% तक तो आपका जो भी ऑडियोस आपके फोन से डिलीट हुआ रहता है वो आपका रिकवर हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि मेरा जो ऑडियो मैंने डिलीट किया था वो वापस कैसे रिकवर हुआ है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आज के इस वीडियो में आपको एक बेस्ट ऑडियो रिकवरी के लिए एप्लीकेशन बताने जा रहा हूँ, दोस्तों मैंने ये एप्लीकेशन बहुत रिसर्च करके ढूंढा है। यानी दोस्तों, जो प्ले स्टोर में बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको बोलते हैं कि वो आपके फोन का ऑडियो रिकवरी करके देंगे, उनमें से जो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस मेहनत के लिए बस मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, मैं ऐसे ही डेटा रिकवरी के बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट करता रहता हूँ, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। दोस्तों, मैंने कल ही एक वीडियो यहाँ पे अपलोड किया था मेरे चैनल पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने फोन में सभी फोटोज जो डिलीट हुए हैं उन फोटोज को कैसे रिकवर कर सकते हैं। सो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसका वीडियो मैं आपको आई लिंक में दे दूंगा, यानी आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप चाहे तो वहां से आप देख सकते हो, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा। सो हे गाइस, मेरा नाम है आदित्य झा एंड यू आर वॉचिंग आदित्य ऑन यूट्यूब। सो और बिना किसी देरी के चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है और सर्च करना है ऑडियो रिकवरी। टॉप पे ही आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, टेस्टी ब्लूबेरी पीआई करके इनका पब्लिकेशन है, इसी एप्लीकेशन का आपको इंस्टॉल करना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कोई भी एक सॉन्ग डिलीट करके दिखा देता हूं, ताकि आपको ये वीडियो जरा भी फेक ना लगे। दोस्तों देखिए, वारियो मॉडल्स करके मैंने अभी एक सॉन्ग डिलीट कर दिया है। आपको मैं यही सॉन्ग आपको मैं वापस रिकवर करके अपने फोन में लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप अपने फोन में डिलीटेड ऑडियोज को वापस उस एप्लीकेशन के मदद से कैसे रिकवर करेंगे। सो दोस्तों, इंस्टॉल होने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको खोलना है, और अगर आपके फोन में मेमोरी कार्ड है सो आपको ये एसडी कार्ड का जो कि एक स्टेटमेंट लिखा है उसके बाजू में आपको टिक पे क्लिक कर देना है। बाद में दोस्तों देखिए, रिकवरी मेथड 1 लिखा है, उस पर क्लिक करके आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा प्रोसेस होने लग जाएगा। ये टोटली पूरा आपको 100 तक प्रोसेस होने देना है। दोस्तों, ये प्रोसेस कुछ टाइम ले सकता है, इसके लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। फिर दोस्तों, पूरा प्रोसेस होने के बाद आपके सामने कुछ फिनिश का ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को आपको क्लिक करके अपने फोन के फाइल मैनेजर को आपको खोल लेना है। फिर फोन के फाइल मैनेजर को खोलने के बाद आपको अपने फोन के इंटरनल स्टोरेज में आना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑल रिकवर्ड ऑडियो का एक ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन में आपको आना है। फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑडियोस दिख जाएंगे, यानी आपके फोन में जितने भी ऑडियोस डिलीट हुए थे वो सभी ऑडियोस यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, इस सेक्शन में आपको जितने भी ऑडियो शो कर रहे हैं धीरे धीरे आपके फोन में सेव होते जाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको एक वारियो करके सॉन्ग, जो वारियो मॉडल्स का एक सॉन्ग है, वो मैंने आपको डिलीट करके दिखाया था, और दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो भी सॉन्ग यहाँ रिकवर हो गया है। दोस्तों, अगर आपके फोन में ये सेव नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली करना क्या है, वहां से उस ऑडियो को यहाँ पे कॉपी करना है और इस सेक्शन में छोड़ के, यानी जो भी आपका सॉन्ग है उस सॉन्ग को आपको एक बार कॉपी करना है और ये ऑल रिकवर्ड ऑडियो के सेक्शन को छोड़ के आपको कहीं भी पेस्ट कर देना है, फिर वो सॉन्ग आपके फोन में सेव हो जाएगा। दोस्तों, ये तो आपके फोन में अपने आप सेव होगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो आप ये कॉपी करके अपने फोन में कहीं भी सेव कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया है कि मैंने जो एक सॉन्ग अपना डिलीट किया था वो सॉन्ग मैंने वापस रिकवर कर लिया है। सो दोस्तों, आप सेम प्रोसेस यूज करके, यानी सेम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने फोन में अपने जो ऑडियो डिलीट किया है या गलती से डिलीट हो गया है उस ऑडियो को रिकवर कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों, मैं ऐसे ही डेटा रिकवरी की वीडियो और अपलोड करते रहता हूँ मेरे इस चैनल पे, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। सो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।